अभी आज टमाटर है 450 रुपए। अभी परसों मैं आपको बता रहा हूँ, परसों 1300 रुपए की पेटी थी टमाटर की, कल हम लेने गए 3100 रुपए की पेटी हो गई, आज 5500 रुपए की पेटी हो गई। लिहाजा है 200 180 की चला रहे हैं। पिछले महीने में था ये, दे रहे थे हम 70 80 रुपए किलो, अभी के आज का रेट है इसका 120 रुपए किलो। अब बैंगन हम लोग बेच रहे थे पिछले महीने में 50 60 रुपए किलो, आज 200 रुपए किलो मंडी से हम लोग लेके आए हैं। लौकी हम पिछले महीने में बेच रहे थे 180 रुपए किलो, आज 140 130 रुपए किलो लेके आए हुए हैं। तुरई है, तुरई हम पिछले महीने में बेच रहे थे 100 120 रुपए, ना 220 240 रुपए किलो मंडी से खरीद के लाए हैं तुरई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुल्तान और इस वक्त मैं मौजूद हूं, पीछे देख सकते हैं आप, एक सब्जी का कार्ट है। या हमने सोचा कि यार पूछ लें क्या रेट चल रहे हैं, क्योंकि जब से सैलाब की तबाहकारी आई है ना उसमें, उसके बाद से यहाँ पर जो सब्जियों की एक तो किल्लत भी हो चुकी है और उसके बाद रेट्स बहुत महंगे। तो हमने सोचा कि चलते हैं और आपको बता दें कि एक महीना पहले जो सब्जी किस कीमत में मिल रही थी और आज वो सब्जी किस कीमत में मिल रही है। तो आज चलते हैं और ये भाई जो हैं सब्जी फ्रोश, उनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं कि इन सब्जियों के आज क्या रेट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? मोहम्मद तारिक। तो तारिक भाई, क्या सीन चल रहा है ये सैलाब के बाद से, कुछ बताना पसंद करेंगे? बस यार वो कुछ गाड़ियों की वजह से मिस्टेक है, तो माल नहीं पहुंच पा रहा टाइम से ना, चार चार पांच पांच दिन बाद गाड़ियाँ पहुंच रही हैं, उसकी वजह से कोई 4 दिन बाद कोई गाड़ी पहुंचती है तो उसका अगर एक गाड़ी पहुंची है, ख़रीदार ज़्यादा है मंडी में, अब वही जो 500 वाली पेटी है 5000 रुपये में ना फरोख्त हो रही है आगे मंडी में। पिछले महीने के नस्बत ये कि वो इस महीने में बहुत फ़र्क पड़ा है सब्जियों में। मतलब आज 28 तारीख है ना? हाँ जी। तो पिछले महीने अगर मैं बोलूँ 28 तारीख को प्याज टमाटर, पिछले महीने की 28 तारीख को था, अल्लाह भला करे आपका, प्याज हमने बेची 80 70 रुपए किलो, आलू बेचा हमने 50 रुपए किलो, टमाटर था 120 रुपए किलो। टमाटर 120 बेचा आपने, प्याज बेचा 70 से 80 रुपए किलो। हाँ जी। और अभी क्या रेट है? अभी आज टमाटर है 450 रुपए, भाई 5500 रुपए की पेटी लेके आए हैं, इसमें निकला है 14 किलो वजन निकला है, इसमें लगा लो 5500 के हिसाब से पड़ रहा है, पूरे पूरे हमारे को 385 रुपए किलो। ये आपको पड़ा 385? हाँ जी, हम यहाँ पे 120 है जिसमें थोड़ा झुकता हुआ भी चला जाता है और उस हिसाब से ना वो बेच रहे हैं इसको, एक वो तो ले रहे हैं टमाटर लोग, बस कुछ भी ले रहे हैं, कुछ एक पूछ के वापस जा रहे हैं, बोला दही इस्तेमाल करेंगे, मैंने वो उससे बेस्ट है वो। ये टमाटर है हमारे पास, ये खजाना छुपाया हुआ है आपने मैसेज देखा जाए तो, कोई गार्ड वार्ड रखा हुआ है इसके लिए? नहीं नहीं भाई, 450 रुपए किलो है तकरीबन, कितने का माल होगा इसमें? ये कम से कम है 5500 रुपए का माल, 5500 को लेके भाग जाए फिर, अल्लाह मालिक ऐसे आज तक कभी नौबत पड़ी नहीं है ऐसी ना। और ये आलू प्याज का क्या सीन है आज का? प्याज है 200 180 की चला रहे हैं। और आलू? आलू लाल वाला पिछले महीने में था, ये दे रहे थे हम 70 80 रुपए किलो, अभी के आज का रेट है इसका 120 रुपए किलो। यार ये तो 100 का 2 किलो 3 किलो मिलता था कोई डेढ़ के, वो आपको बता रहे हैं ना सैलाब की वजह से माल में परेशानी हो रही, माल नहीं पहुंच पा रहा टाइम पे, इसलिए उसकी वजूहत की वजह से ना, जो वहाँ से हमें 1200 रुपए मन आलू आ रहा था ना, अभी एक 2800 3000 रुपए मन आ रहा आलू, 70 75 यानी कि 80 रुपए किलो हमें वहाँ से पड़ रहा आलू। तो अच्छा दोस्त ये बताएं, आपने कहा गाड़ियाँ 4 5 दिन लेट आ रही हैं, तो मुझे ये बताएं कि पीछे तो सब कुछ तबाह हो गया, तो माल आ रहा कहाँ से? यही हमारी समझ से बाहर है, जो कुछ इलाके बचे हुए हैं ना ऊंचे वाली साइड पे, कुछ इलाके बचे हुए हैं वहाँ से माल आ रहे हैं, अब वो नीचे की तरफ जब गाड़ियाँ आती हैं वहाँ पानी खड़ा हो पुलों के ऊपर से भी ना, ओवर हुआ पड़ा है पानी, उसकी वजह से फिर एक उस हिसाब से 5 दिन में एक गाड़ी निकल रही है और एक वो आके पहुँचती है, दुकानदार सारे ना खरीदने वाले ज़्यादा है मंडी में। अब बैंगन हम लोग बेच रहे थे पिछले महीने में 50 60 रुपए किलो, आज 200 रुपए किलो मंडी से हम लोग लेके आए हैं। लौकी हम पिछले महीने में बेच रहे थे 180 रुपए किलो, आज 140 130 रुपए किलो लेके आए हुए हैं। तुरई है, तुरई हम पिछले महीने में बेच रहे थे 100 120 रुपए ना, 220 240 रुपए किलो मंडी से ख़रीद के लाए हैं तुरई, यानी कि पिछले महीने के नस्बत ना इस महीने में यानी कि 100 में से यानी कि 50% ना रेट बढ़े, नॉर्मल होते होते भी कम से कम 3 4 महीने लग जाएंगे उनको, क्योंकि अभी भी अगर ये सैलाब आज अगर रुकते हैं ना बारिशों का सिलसिला, ज़मीनों में अब फसल उगाएंगे 3 महीनों में 4 महीनों में नई फसल तैयार होगी, तब जाके कोई रेटों में ना कोई कमा पेशी होगी। सबसे सस्ती सब्जी जो है इस वक्त आपके पास जो गरीब खा ले वो कौन सी है? वो ये आलू है, सबसे सस्ता ना आलू है,
नहीं खा सकता है। कितने रुपए किलो बताया? 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो सबसे सस्ता है। और वो जो लाल वाला है? लाल वाला 120 है, 100 का भी दे देते हैं किसी को। मतलब आलू भी जो है वो ना गरीब आदमी खा सकता है क्या? पालक वगैरह भी नजर आ रही है, इसके क्या रेट है? पालक 160 रुपए किलो है। अच्छा, हरी प्याज? हरी प्याज है 240 रुपए किलो। लंबी लौकी है 160 रुपए किलो है। भुट्टा है 60 रुपए किलो है। खीरा 200-180 का है। फूल गोभी 200 रुपए है। शिमला मिर्च 240 रुपए किलो है। गाजर 240 है। और बैंगन दोनों 200-200 रुपए है। गोल लौकी 120 रुपए है। और अरबी 160 रुपए है। और तुरई 240 रुपए है। टिंडा 280 रुपए है। बंद गोभी जो कोई खाता नहीं है वो 280 रुपए। जी क्या इसको आ जाए, कम से कम 15 से 20 दिन हो गए इसी रेट पे चलते हुए। इसमें आ रहा पक्का हुआ टिंडा बहुत आ रहा है, कच्चा ढूंढना मुश्किल हुआ पड़ा है। ये जो धनिया है ये कितने का है? ये 10 रुपए का ही है। और ये वाली गट्टी है 20 रुपए की, ये वाली। ये एक गट्टी 20 रुपए की? हाँ जी। ये 2 दिन पहले थी 40 रुपए की गट्टी। लहसुन अदरक बताइएगा? अदरक 120 रुपए पाओ है। और लहसुन ये चाइना वाला है 100 रुपए पाओ है। देसी वाला 80 रुपए पाओ है। और चिला हुआ 120 दे रहे हैं। मतलब आलू के अलावा कोई चीज 100 रुपए किलो से कम नहीं है? यानी आलू ही ना के सबसे ज्यादा सस्ता है 60 रुपए किलो। हाँ चलो, सबसे ज्यादा जो सस्ता है ना आलू है सिर्फ 60 रुपए किलो, वो भी सफेद वाला। और भिंडी और नींबू कैसे हैं? नींबू 80 रुपए पाओ है। भिंडी 280 रुपए किलो है। मिर्चे दोनों 60-60 रुपए पाओ है। मतलब आलू के बाद सबसे सस्ती सब्जी बताएं? सबसे सस्ती है आलू के बाद है बंद गोभी और एक पालक, और उससे सस्ता है वो भुट्टा 60 रुपए किलो। अच्छा, बंद गोभी है सबसे सस्ती आलू के बाद। तो ये देखें भाई, ये है बंद गोभी जो आलू के बाद यहाँ पर भाई के पास, अकबर भाई के पास सबसे सस्ती है। क्या रेट है? 120 रुपए किलो। 120 रुपए किलो। और उसके बाद है पालक है सस्ती, कितने रुपए? 160 रुपए किलो। और उससे सस्ता है वो भुट्टा, मतलब वो खाली 60 रुपए किलो है भुट्टा ना। अभी परसों मैं आपको बता रहा हूँ, परसों 1300 रुपए की पेटी थी टमाटर की, कल हम लेने गए 3100 रुपए की पेटी हो गई, आज 5500 रुपए की बेटी हो गई। यानी कितना फर्क आ रहा है एक एक दिन में यार। 200-180 चला रहे हैं आज ना, कल ये चलिए 240 रुपए तक। तो ये कल का प्याज है, आज का प्याज है? नहीं, आज लेके आए। अच्छा, आज थोड़े रेट इसके कम हुए? आज कम हुए थोड़े ना, मार्केट में गाड़ियाँ वगैरह आई हैं, तो गाड़ियाँ आने से ना थोड़ा माल में कमा पेशी होने लग पड़ती है। मसाला वगैरह अक्सर मैंने देखा सब्जी वाले बनाते हैं, आप भी बनाते हैं? जी जी, बना के देते हैं। कम से कम 100 से कम बारे में नहीं आता। तो 100 में क्या क्या डालते हैं? 100 में जैसे कि 2 टमाटर डाल दिए, आज तो एक ही टमाटर आ रहा है 100 रुपए में ना, 2 प्याज डाल दिए, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ी सी मिर्चे को धनिया डाल दिया, यानी 100 रुपए में ना नॉर्मल तरीके से बना के दे रहे हैं, वो भी बारे में नहीं आ रहा हमारे। अगर अलग अलग तोले ना वो भी 100 रुपए से ऊपर कहानी पहुँच जाती है, इसलिए। मतलब आप इतना बना रहे हैं कि अगर मैं कोई भी सब्जी लेता हूं तो उसके साथ जो चीजें डलेंगी वो उन 100 रुपए में पूरी हो जाएगी? यानी कि एक हंडिया का जो है ना मसाला वगैरह, वो यानी कि अभी 100 रुपए का उस हिसाब से बना के दे रहते हैं। कम से कम ना 3 से 4 महीना ना नॉर्मल होते होते लगेंगे इनको, क्योंकि जैसी कंडीशन हुई पड़ी है ना, पानी पानी चारों तरफ एक है, आज से अगर ये सिलसिला बंद होता है। ये हरा प्याज जो है ये क्या रेट है? 240 रुपए किलो। भाई ये है पालक, ये अकबर भाई ने बताइए आलू के बाद जो है ना सबसे सस्ती। हाँ, आलू और गोभी के बाद। हाँ जी, आलू और गोभी के बाद सबसे सस्ती, लेकिन ये भी पता है कितने हैं? 160 रुपए किलो। तो दोस्तों वीडियो आपने देखी, इस वक्त जो सब्जी की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। जो आलू प्याज 100 रुपए से अंदर मिलता था, और मैं खुद कुछ 1.5 से 2 महीने पहले 100 का 2 किलो या 1.5 किलो लेता आलू था। लाल वाला वो टमाटर 400 रुपए किलो है, 60 रुपए किलो लगा। आलू अच्छा वाला 120 रुपए किलो है। प्याज भी जो है वो 100 रुपए है। कोई सब्जी 100 से नीचे नहीं है। जो सबसे सस्ती सब्जी थी वो थी बंद गोभी, और वो थी 120 रुपए किलो। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो चीज 120 रुपए किलो है, तो आप बाकी का अंदाजा लगा लेंगे कितनी चीजें कितनी महंगी होंगी। और ख़ास तौर पे टमाटर जो है वो 450 रुपये किलो हैं। तो मैंने भाई को बोला भी, कोई गनमैन खड़ा करो, ये ना हो आपकी कोई पूरी पूरी टमाटर की ले जाए। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा।